हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो लास्ट एक्सरसाइज जो था मैंने 15.3 आपको कंप्लीट करवाया था, राइट। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 15.4 को कवर करेंगे और उससे पहले के जो कॉन्सेप्ट है ना उन कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे और उसके साथ साथ जो एग्जाम्पल्स है ना उन्हें भी हम कवर करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो वर्ड है वो है कॉफिशियंट। देखो कॉफिशियंट क्या होता है, तो देखो कह रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स इच फैक्टर बिंग मल्टीप्लाई इज नॉन एज द कॉफिशियंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द फैक्टर। जैसे आप ऐसे समझिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है। तो x का जो 2 है ना वो क्या है, कॉफिशियंट है। अगर आपको कुछ ऐसे दिया जाए यानी 2x y दे दिया जाए, अगर हमें ये पूछा जाए कि y का कॉफिशियंट बताओ, तो y का कॉफिशियंट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और अगर मुझे x का कॉफिशियंट बोलता तो 2y हो जाता। तो बात आपको समझ आया कि क्या करना है, जो जिसके कॉफिशियंट कहता है। आप ऐसे एग्जांपल एक और लो, x y z। अब अगर हमें कहता है कि z का कॉफिशियंट क्या होगा, तो z को छोड़ के बाकी जितने नंबर है ना वो उनके कॉफिशियंट हो जाएंगे। और अगर आपको y का कॉफिशियंट कहता है तो y को छोड़ के बाकी जो बचा है ना वो सभी कॉफिशियंट हो जाएगा। और x कहता तो x को छोड़ के बाकी जो बचे हैं ना इस टर्म में वो सभी कॉफिशियंट हो जाएगा। तो ये चीजें क्लियर हुई आपको? अच्छा, अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा है आपको कि इन द टर्म ऑफ 4xy, तो 4 इज द कॉफिशियंट ऑफ xy और 4x इज द कॉफिशियंट ऑफ y, या 4y इज द कॉफिशियंट ऑफ x, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये बात आपको क्या करना है बच्चों, माइंड में रखना है, ठीक है। चलो अब देखो इसके बेस पे एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, राइट द कॉफिशियंट ऑफ p इन दैट। तो देखो p का कॉफिशियंट क्या है, 9 होगा इसमें, तो सिंपल 9 इंटू पी हो जाएगा, तो 9 का कॉफिशियंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कह रहा है राइट द कॉफिशियंट ऑफ z। अब देखो यहां पे कह रहे जेड, तो जेड को आप सेपरेट कर लो, बाकी को अलग कर लो, यानी आप ऐसे लिख सकते हो 5xy मल्टीप्लाई जेड। तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशियंट हो जाएगा। तो कुछ इसको इस हिसाब से तोड़ दिया गया, देखो यहां पे ये लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशियंट हो जाएगा। तो कॉफिशियंट क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों, इसी के बेस पे आपको दिया हुआ है आई कैन डू इट, राइट। तो चलिए आई कैन डू इट को आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कॉफिशियंट अच्छे से क्लियर हो गया ना बच्चों, तो वीडियो को रोको और खुद से आई कैन डू इट सॉल्व करो। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर वीडियो को प्ले करके आप देख सकते हो, ठीक है। चलो तो मैं भी सॉल्व करता हूं, आप भी सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे एक्स इन दैट, तो राइट द कॉफिशियंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशियंट, अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहां तो एक्स है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करूं। तो देखो बच्चों, कुछ नहीं होता है ना, जैसे x है इसमें कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इटसेल्फ ही होगा ना, तो इसका जो कॉफिशियंट होगा ना वो 1 आ जाएगा। अब आप यहां पे देखो कर y का कॉफिशियंट इस 9y में, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा कॉफिशियंट। अब a का कॉफिशियंट यहां पर क्या है, 10 है ना। अब यहां पर देखो m का कॉफिशियंट क्या हो जाएगा, 7 × n, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो 7n × m लिख सकते हो, तो ये आपका कॉफिशियंट बन जाएगा। अब आप यहां पे देखो कह रहे जेड का, तो जेड को छोड़ के बाकी सारे हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा, 3xy आ जाएगा। इसमें कह रहे बी का, तो बी को छोड़ के बाकी क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा कॉफिशियंट। इसमें कह रहे पी का, तो पी को छोड़ के क्या हो जाएगा, 2qr हो जाएगा आपका कॉफिशियंट। इसमें कह रहे बच्चों ए बी, तो ए बी को छोड़ के क्या हो जाएगा, 14c आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉफिशियंट हो जाएगा। तो आई होप आपको कॉफिशियंट क्लियर हुआ। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अच्छी बात है, आप इनको अपने आंसर से मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो बच्चों क्या है, आपको सिंप्लीफाइंग एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो देखो 4x दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है, 7x है और x है, तो हमें क्या करना है बच्चों, लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है,
यही है हमारा सिंप्लीफाई। तो देखो x वाले ये तीन है तो x को एक सेट करो, 4x और 7, तो 4 और 7 के सिंप्लीफाइंग एंड एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो देखो 4x दिया हुआ है, 2y दिया हुआ है, 7x है और x है, तो हमें क्या करना है बच्चों, लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है, यही है हमारा सिंप्लीफाई। तो देखो x वाले ये तीन है तो x को एक सेट करो, 4x और 7, तो 4 और 7 कितना होता है 11, और 11 1 क्या हो जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12x प्लस क्या हो जाएगा 2y, तो ये आप इसको सिंप्लीफाई इस हिसाब से कर सकते, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स बनेंगे। बाकी यहाँ पे स्टेप वाइज दे रखा है आपको कि पहला स्टेप में क्या करना है, ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर, यानी हमें क्या करना है, पहला स्टेप में आपको लाइक टर्म को एक साथ रखना है। जैसे मैंने एक्स वाले को एक साथ रखा है तो वैसे लाइक टर्म को एक साथ करोगे। दूसरा स्टेप में कह रहा है उनके जो न्यूमेरिकल कोफिशियंट्स है ना लाइक टर्म्स का, उसे आप एड कर लेना, जो देखो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अच्छा थर्ड स्टेप में कह रहे हैं राइट द रेस्ट ऑफ टर्म्स इफ अलोंग विद द रिजल्ट एंड ऑब्टेन द सेकेंड स्टेप। जो सेकेंड स्टेप में आपको ऐड करके आया है थर्ड स्टेप में आप वो लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो सिंपल आपको ये रिमेंबर करना है बच्चों कि लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है कि लाइक टर्म्स कैसे है। अगर आपको लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म में प्रॉब्लम है तो इससे पहले के लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप इस चैनल पे डाल रखा है, तो आप देख सकते हैं और लाइक और अनलाइक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। सो अब देखो इनके बेस पे एग्जाम्पल नंबर 9 में कह रहे सिंप्लीफाई, 7PQ है, 2PQR है, यहां पे 3PQ है और यहां पे 4P। अब देखो पहले लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करो, तो ये यहां पे देखो PQR है और ये PQR है, तो ये दोनों सेम हुआ, ठीक है। यहां पे PQ है, यहां पे PQ है, तो ये हुआ। अब देखो 7 है और ये माइनस है, तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, 4Q आ जाएगा। अच्छा अब यहां पे देखो प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहां पे 6PQR, तो ये आपका क्या बन जाएगा रिजल्ट बन जाएगा। कैसे हुआ सर? तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, अभी मैंने आपको समझाया था लाइक टर्म को समझना, तो पहले हमने लाइक टर्म को समझा, ये और ये एक सेम टर्म्स है और ये सेम टर्म है, बट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसलिए रिड्यूस कर गया। देखो यहां पे इन्होंने इस हिसाब से किया है, ठीक है ना, इस हिसाब से करके ये रिजल्ट लाया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये चीज जरूरी है बच्चों लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना। अगर लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हुआ तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। वैसे एलजेब्रा का मैंने वन शॉट लेक्चर भी बना रखा है, तो आप चैनल पे विजिट करके वन शॉट लेक्चर भी देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पार्ट बाय पार्ट समझना है तो वो तो मैं करा ही रहा हूं आप लोगों को, है ना। चलो अब देखते हैं बच्चों, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 7 व्हेन x इक्वल्स टू 7। देखो x के जगह पे 7 रखेंगे ना तो इस एलजेब्रा की क्या वैल्यू निकल के आएगा, तो यहां पे देख पा रहे होंगे 2x प्लस 7, तो 2 इंटू 7 प्लस 7, तो ये आपका 21 आ जा रहा है ना, 14 प्लस 7 तो 21 आ जाएगा। सेम आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है इसमें, जहां पे a की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, b की वैल्यू 3, तो जहां a है वहां पे 2 पुट करना है और जहां b है वहां 3 पुट करना है और इनका कैलकुलेशन करना है। तो जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो इसका रिजल्ट जो है बच्चों 6 आ रहा है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपके पहला कोफिशिएंट क्लियर हो गया, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आपको समझ में आ गया, और कैसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालेंगे ये चीजें आपको क्लियर हो गया। अब देखो इन्हीं के बेस पे जो एक्सरसाइज है ना बच्चों 15.4 आपको दिया हुआ है, तो एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। सो पहला देखो कह रहे सिंप्लीफाई करना है, क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, तो आपको पहले सिंप्लीफाई में मैंने बताया कि आपको लाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो यहां देखो क्या है एक्स है और ये एक्स है, तो ये दोनों सेम टर्म्स हो गया और ये दोनों सेम टर्म्स हो गया, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं है तो 1x है और ये हो जाएगा 4x, तो 4x और 1x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा,
और ये हो जाएगा वाई, थ्री वाई और वाई, तो कितना हो जाएगा फोर वाई। तो आप आपका आंसर फोर वाई ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इस हिसाब से भी इनको लिख सकते हो। तो देखो बच्चों यहाँ पे तो स्पेस है नहीं, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं प्रॉपर तरीके से, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहां मैंने लिख लिया है क्वेश्चंस को, जिससे कि मैं आपको अच्छे से क्लियर समझा पाऊं। सो हियर इज दैट एक्स को, ये तो मैंने अभी आपको कराया, कुछ नहीं है तो वन होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ नहीं तो वन है, तो ये हो जाएगा वन एक्स और फोर एक्स, कितना हो जाएगा फाइव एक्स। थ्री वाई और वाई कितना हो जाएगा फोर वाई। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो टू ए बी है, थ्री बी सी है, फोर बी सी और फाइव ए बी है। तो ये देखो ए बी है और ये ए बी है, तो ये क्या हो गया लाइक टर्म्स हो। बी सी है और बी सी है, तो ये लाइक टर्म्स हो गया। अच्छा तो टू ए बी और ये फाइव, तो फाइव टू क्या हो जाएगा सेवन, तो आप यहां पे सेवन ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस फोर और थ्री क्या हो जाएगा सेवन, तो सेवन बी सी लिख सकते हैं आप। तो ये आपका आंसर आया। कैसे आया ये आपको समझ में आया, कि लाइक टर्म्स को हमने लाइक टर्म के साथ ऐड किया, लाइक टर्म्स को हमने लाइक टर्म्स के साथ ऐड किया, ठीक है ना। अच्छा आप इनको और भी तरीके हैं ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं इसमें भी करके दिखाता हूं दूसरा तरीका। यहां पे आइडेंटिफाई करो पहले, ये P हो गया, देखो ये P हो गया, ठीक है। ये Q हो गया और ये क्या है बच्चों S दिया हुआ है, ठीक है, 4S दिया हुआ। एक बार चेक कर लेता हूं मैं क्वेश्चंस में, S है, यस S है। इसमें तीन अननोन क्वांटिटीज है। तो देखो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप बढ़ा सकते हो। जैसे देख लो 6P है प्लस 2P, ऐसे आप कर सकते हो आप चाहो तो, है ना। नहीं तो डायरेक्ट अगर आपको अच्छे से समझ आ गया ना, तो आप डायरेक्ट भी ऐड करके लिख सकते हो, ये एस है। अब देखो 6 2 क्या हो जाएगा 8, तो 8P प्लस 9Q प्लस 4S, तो ये आपका आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो इस हिसाब से भी आप क्या कर सकते हो बच्चों, सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं, तो देखो 10Q प्लस क्या है 4P माइनस 3Q और यहां क्या है 4Q, ठीक है। तो देखो ये भी Q वाले वैल्यू है, ये भी Q वाले हैं और ये भी Q वाले हैं, और ये सिर्फ P का है, तो P तो एक ही है, तो आप इनको 4P लिख दो, ठीक है। अब देखो 10 और ये है 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये क्या है 10Q है, तो 10Q और 1Q कितना हो जाएगा 11Q हो जाएगा। तो आप इस हिसाब से इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अब क्वेश्चंस नंबर 5 में देखो क्या कह रहे हैं, m है, mn है, nm है और ये m और m, तो देखो m वाले सभी एक साथ हो जाएगा, तो आप ऐसे चाहो तो एक साथ करके लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख सकते हो ऐसे करके, ये आ गया एक साथ की वैल्यू। अब आप इनको एक साथ लिख सकते हो 3mn और 4nm, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं है तो 1, तो 6 4 10 1 11 यानी 11m हो गया, और यहां पे 4 और 3 7, तो 7mn लिख दो इसको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 5p 3q माइनस 3p प्लस 2p और q, तो पहले आइडेंटिफाई करो, तो P हो गया ये, अच्छा उसके बाद क्या है ये माइनस वाले P है और ये 2 प्लस वाले P है। तो देखो माइनस का 3P है, तो 3 में से 2 जाएगा तो 1P बच जाएगा माइनस का, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4P हो गया, P के कैलकुलेशंस खत्म। और यहाँ पे देखो 7Q है प्लस 3Q है, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10Q हो जाएगा। तो ये क्या होगा बच्चों आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3p 4p प्लस 10q आ जाएगा। एक बार चेक कर लो क्या यही आ रहा है, क्योंकि ये देखो 5p है ना, ठीक है 5p हो गया, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 3p, ये हो जाएगा 2p। तो देखो 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का ही 1 बचेगा ना, ठीक है, तो माइनस का 1 बचेगा, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो 4p हो जाएगा, तो 4p प्लस 10q,
तो बच्चों आप यहाँ पे क्वेश्चंस को ध्यान को समझना है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि आंसर पीछे देख लेते हैं और आंसर में कभी मिस्टेक भी रहता है तो बच्चे को रहता है कि सर आंसर गलत आ रहा है ना। तो बच्चों आप क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है उनके बेस पे आप आंसर देखो। ये नहीं कि कभी कभी हो सकता है बुक में भी मिसप्रिंट होते हैं आंसर, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा है। 3x प्लस 7y प्लस 7x माइनस 3x प्लस 7। तो ये देखो x है, ये भी x है और ये भी x है। तो ये देखो 3x है तो आप चाहो तो इसको कैंसिल भी कर सकते हो, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये देखो 7y है और यहाँ पे 7y और ये 7x है, तो आप यहाँ पे 7x लिख सकते हो और 7 कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे 14y लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर बन जाएगा क्या, 7x प्लस 14y हो जाएगा, है ना। ये क्या है बच्चों, 4 है ना, 14y। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या है, 2xy 9xz 7xy और यहाँ पे xy माइनस का है। तो देखो 7 में से 1 को लेस कर दो क्योंकि ये दोनों तो सेम है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 और यहाँ xy है तो 6 2 क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8xy लिख सकते हो और ये तो ऑलरेडी यही आ जाएगा 9xz आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई पेयर था नहीं। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 8xy प्लस 9xz है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या था बच्चों, ए पार्ट में टोटल 8 क्वेश्चन दिए जा रहे थे, है ना। ये देखो 8 क्वेश्चंस है, तो ये 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो इसके भी एग्जांपल अभी हमने आपको समझाया था, एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 11। तो यहाँ पे 2y माइनस 3 है और ये कह रहा है हमें कि अगर y के जगह पे मैं 9 रखूंगा या 9 वैल्यू रखेंगे तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या वैल्यू आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 18 डिवाइडेड x, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए इनके वैल्यू को पुट करके हम आपको एक एक करके दिखाते हैं और कैसे रिजल्ट आएगा ये भी आपको समझ आ जाएगा। तो ये देखो 2y है माइनस 3 और क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि जहां आप y देखो वहां y की वैल्यू 9 रखो, ठीक है। तो 2y है तो यहां पे 9 रखेंगे माइनस 3, तो 9 2 18 में से 3 लेस करो कितना आ जाएगा, है ना, 18 में से करोगे तो 15 3 18 ये 15 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ए का कितना आ जाएगा, फर्स्ट वाले का 15। अच्छा अब सेकंड में देखो क्या है, 18 डिवाइड x व्हेन x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगा तो देखो बच्चों 18 डिवाइड और x की जगह पे क्या रखना है 1, तो 18 को अगर डिवाइड करोगे 1 से तो क्या आ जाएगा 18 ही आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। बस आपको थोड़ा सा बच्चों समझना है कि आपको जो वैल्यू दिया है ना वो वैल्यू वहां पे पुट करना है और उस वैल्यू को पुट करके आपको आंसर्स निकालना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ है, 9abc, ठीक है, क्या दे रखा है 9abc, ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 2 है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 9abc, ठीक है, तो 9 ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, बी की वैल्यू क्या है 0 और सी की वैल्यू क्या है 2। अब देखो बच्चों, अब देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 27 27 2 54, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो सभी को 0 बना देगा, क्योंकि 0 एक का आइडेंटिटीज भी मैंने बताया था कि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों तो आंसर जो होगा ना वो हमेशा ऑलवेज 0 ही आएगा, ये आप लिख लीजिए अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। कभी भी 0 से कितने भी बड़े नंबर क्यों ना हो उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज 0 आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहां पर देखो कह रहे फोर्थ में ab/c दे रखे, When, जबकि a की वैल्यू पता है हमें, b की वैल्यू पता है और c की वैल्यू पता है। तो चलिए लिख लेते हैं ab/c, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू हमें 3 दिया हुआ है, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1, तो 3 2 जा 6, 6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ही आएगा,
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहे हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई दिया हुआ है, वाई जेड दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू हमें पता है, वाई की वैल्यू पता है और जेड की वैल्यू पता है। तो चलिए पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या है हमें 2 दिया हुआ है, वाई की वैल्यू कितनी है 5, फिर प्लस है, फिर वाई की वैल्यू 5 और जेड की वैल्यू 3। देखो 5 2 10 और 5 3 15, तो 10 और 15 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में p प्लस q प्लस माइनस r, जबकि आपको p की वैल्यू दे रखा है, q की वैल्यू दे रखा है और r की वैल्यू दे रखा है। तो चलिए हम यहाँ पे p की वैल्यू पुट करते हैं 13, q की वैल्यू पुट करते हैं 10 और r की वैल्यू पुट करते हैं 9 दिया हुआ। तो देखो 10 में से 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा 1, तो हो जाएगा 13 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 14 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालना आपने सीख लिया। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों आपको टोटल जो है ना 6 क्वेश्चन दे रखे थे बी पार्ट में और ए पार्ट में 8 क्वेश्चन दे रखे थे। तो आई होप ये एक्सरसाइज जो 15.4 है आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर्स एंड बाय बाय।